हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कस्टम मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एप्पल से हलवा बनाने की रेसिपी। तो आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही शानदार हलवा की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीका है बनाना और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग रेसिपी यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया था 3 एप्पल। तो मेरे पास ना 3 एप्पल था। तो इस तरह से पहले हम लोग एप्पल को कट करेंगे। तो बस एप्पल को इस तरह से कट किया और इसके बाद ना इसका बीच वाला जो भाग होता है ना, तो इस तरह से जहाँ पर बीज रहता है उसको हम लोग इस तरह से इसको निकाल लेंगे और इसका छिलका हटा लेंगे। तो बस जितना छिलका है ना एप्पल का, वो सारा बहुत ही अच्छी तरह से छिलका को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये देखिए हम सारे छिलका निकल चुकी है। अब हम लोग इसको इस तरह से चॉप करेंगे। तो बस हम लोग ना इसको रफली अभी चॉप करेंगे। तो बस सारे एप्पल को इस तरह से चॉप कर लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी एप्पल हमारी चॉप हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी रख रखा है गैस के ऊपर। तो ये देखिए पानी डालने के बाद ना गैस को ऑन कर दिया था और इसके बाद हम लोग डाल देंगे जो कि हम लोग एप्पल को कट करके रखा था। तो इस तरह से सारी एप्पल को डाल देंगे और इसको हम लोग पकने के लिए रख देंगे एप्पल को, यानी कि हम लोग इसको बॉयल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर गैस पर डाल दिया था। तो ये देखिए एप्पल हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, एप्पल हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब इसको हम लोग डाल देंगे साइड में और फिर से हम लोग गैस की तरफ ही चलेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दी थी 1 पैन और यहाँ पर पैन में डाल दिया घी। तो बस थोड़ा से डालेंगे घी, अभी हम लोग ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर घी डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़े से डाल देंगे बादाम। तो इस तरह से बादाम को डालने के बाद ना हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा घी में इस तरह से बादाम को पहले हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बादाम हमारी फ्राई हो चुकी है और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर काजू को भी फ्राई कर लेंगे। तो बस काजू भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अगर आप लोग कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी इसी स्टेज पे फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और डाल दिया घी और इसके बाद हम लोग डाल देंगे एप्पल को। तो एप्पल को क्या किया था ना, सारा पानी हटा करके, यानी कि उसको हम लोग छन्नी में छान लेंगे और इसके बाद ना इसको इस तरह से मैश कर लेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे। तो मैंने अभी बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैश नहीं किया था, बस हल्का ही इसको मैश किया था। तो ये ना भूनते भूनते इसको हम लोग मैश कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग घी में डालने के बाद इसको चलाते हुए मैश करते करते इसको हम लोग चला लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से मैश हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मैश हो चुकी है और ये फ्राई भी हो चुकी है। तो ये फ्राई होने के बाद ना इसके बाद हम लोग यहाँ पर डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो बस एक छोटी सी कटोरी से, यानी कि चम्मच के बात करें तो 2 चम्मच से मैंने डाल दिया था मिल्क पाउडर और यहाँ पर 1 कटोरी डाल दिया था दूध। ठीक है, यानी कि मिल्क। तो इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग चलाते हुए अच्छी तरह से सभी चीजों को दूध में मिक्स कर लेंगे, यानी कि मिल्क पाउडर और हलवा को, एप्पल को, हलवा को हम लोग इस तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठली ना पड़े। तो ये देखिए सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर डाल दिया अपना टेस्ट के लिए थोड़ी सी इलायची का दाना। तो बस इलायची का दाना इसमें डाल दिया और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें डाल देंगे अपना बादाम और काजू जो कि हमने पहले रखे थे भून करके। तो इन सभी चीजों को डालने के बाद इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम लास्ट में डालेंगे चीनी। तो बस चीनी डालने के बाद चीनी को भी बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा हमारी बन करके रेडी है। तो चलिए हम लोग इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर निकाल लिया था एक बाउल में, और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी हलवा बन करके हो चुकी है रेडी। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी होगी कहीं से भी थोड़ी सी भी, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नहीं आते तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना, ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।